कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाओ, मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाओ। ये गाना सुनकर रोंगटे खड़े हो गए मेरे, बहुत ही इमोशनल गाना था। और माय गॉड, मैं किस तरह से बयान कर इस गाने को मुझे नहीं पता। इस गाने का ऑडियो सुबह सुना था, 4:30 मिनट का था, 7 जियो 7 पर, और ये गाना 5:30 मिनट का है। और 5:30 मिनट कहाँ गए वो भी मुझे समझ में आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग के पहले 30-35 सेकंड डायलॉग बाजी है और गाने के एंड में भी थोड़ा सा एक शायरी है, वो सब में 5:30 मिनट हो गए। लेकिन ये गाना देखकर मैं रो दिया, क्योंकि गाना बहुत ही बारीकी से लिखा है, गाना बहुत ही टचिंग है, बहुत लोग हो गए, बहुत बढ़िया गाना है। कुछ चीजों के बारे में बता देता हूं उस गाने के, ठीक है। सबसे पहले बात कर दू तो यहाँ पे बी पैक ने गाना गाया, जिन्होंने तेरी मिट्टी सॉन्ग गाया था किसी फिल्म में, वो गाना भी कमाल का था और ये गाना भी कमाल का है। सुबह जब मैंने ऑडियो का ही रिव्यू दिया था तब मैंने साफ साफ कह दिया था कि ये गाना चार्टबस्टर होगा, इस साल का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग होगा और ये सबके मोबाइल में प्लेलिस्ट के तौर पर रहेगा गाना, हमेशा लोग बार बार सुनेंगे। और बिल्कुल वैसे ही गाना है, अक्षय का फर्स्ट म्यूजिकल वीडियो, यानी कि सही मायने में एक नंबर है, एकदम फर्स्ट क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कुछ चीजों के बारे में, अगर बात करें फर्स्ट गाना तो सीधी बात है, अक्षय प्यार करते रहते हैं किससे, हम बेसिक स्टोरी बता दो, अक्षय प्यार करते हैं एक लड़की से, यानी कि नूपुर सनम से, और नूपुर से अक्षय प्यार करते हैं। उसके बाद नूपुर के पिताजी को ये गवारा नहीं होता है, लेकिन लड़की फिर भाग के आ जाती है अक्षय के पास कि भैया मेरे को दूसरी शादी करनी है। लेकिन लड़की का बाप अपनी पगड़ी उतार के हीरो के पैर पे रखने जाता है, तो ये अक्षय को बिल्कुल गवारा नहीं होता और अक्षय उसका हाथ छोड़ देता है, किसका, जिसे वो प्यार करता है। अब उसकी शादी कहीं और हो गई है, अक्षय की शादी कहीं और हो गई है। स्टार्ट ऐसा होता है गाने का कि किसी का एक्सीडेंट होता है, अक्षय बोलते नहीं मैं वो घर जाना है, बहुत लेट हो रहा है, वादा चलता है। उसी का एक्सीडेंट हुआ जो अक्षय कुमार की एक वक्त पे गर्लफ्रेंड थी और जिससे शादी करना चाहते थे, तो किस तरह से कनेक्शन जुड़ता है, क्या क्या, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो जब एक्सीडेंट होने के बाद बाहर बाजू में चीजें रखी थी, उसका लॉकेट रखा था, हार्ट शेप रहता वो भी आधा, वो आधा हार्ट शेप अक्षय कुमार के पास रहता क्योंकि अक्षय कुमार ने वो दिया रहता है उसे, और दोनों हमेशा गले में लटकाए रहते हैं, वो एक चीज बहुत अच्छा है। और उसके बाद गाने में एक मोमेंट है लास्ट में, जब इलाज उलाज होता है, लड़की ठीक होने लगती है, और उसके बाद जब वो व्हीलर्स पे थे तो जो जिसपे बैठते हैं नीचे, हाँ, और उसका हस्बैंड आता लड़की का, पंजाबी एकदम मस्त मुंडा रहता है, और यहाँ पे अक्षय की वाइफ आती है, तो व्हील चेयर पे उसे लेकर जाता रहता उसका हस्बैंड, यानी नूपुर सनम का हस्बैंड, और व्हील चेयर से वो अक्षय को बाय हाय है ऐसा करती है, और अक्षय अपनी वाइफ उसकी वाइफ कुछ कहती थी अक्षय की, और वो उसका ध्यान उसकी वाइफ की तरफ, लेकिन नूपुर की तरफ रहता है। और उसके बाद फिर एक सीन आता है जहां पर लड़की शायद उठ के भाग खड़ी होती है, और यहाँ पे अक्षय भी कुछ भाग खड़े, कुछ तो ऐसे ही होता है, और दोनों गले मिलते हैं अक्षय और नूपुर, और उसके बाद जो उनका हार्ट किचन आधा रहता है वो वापस से जुड़ जाता है जैसे एक बार पहले हुआ था। तो मैं बोला कि यार ये तो बहुत ही मजा आ गया एकदम ही। उसके बाद दिखाते हैं कि सपना टूट जाता है, असल में वो बाय बाय कुछ कहती है अक्षय को, और अक्षय भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाते क्योंकि है ना रियलिटी में नहीं कर सकते, लेकिन पछतावा दोनों को है कि साथ में नहीं है। लेकिन यहाँ पे किसी की भी गलती नहीं है, हर किसी की अपनी मजबूरी है। और गाने का पहला मुखड़ा जो है बहुत अच्छा है, कि मुझे पता है कि दुनिया में ये गवारा नहीं हो सकता, पर झूठ कहते हैं लोग कि प्यार दोबारा नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया मुखड़ा है। और सेकेंड एक मुखड़ा है जो और भी इमोशनल है, वो कहता है कि तू रो रही है, तू परेशान है, मतलब हम रो रहे हैं, हम परेशान हैं, लेकिन तू अलग जगह है किसी के साथ, मैं अलग जगह हूं किसी के साथ, हम दोबारा साथ में नहीं आ सकते, दूसरा मुखड़ा है। ये दोनों मुखड़ा बहुत अच्छा है। और उसके बाद आखिर में अक्षय कुमार की शायरी है, अक्षय कुमार कहते हैं फिलहाल तो कुछ यूं है कि कुछ कर नहीं सकता, फिलहाल तो कुछ यूं है कि कुछ कर नहीं सकता, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ में मर नहीं सकता,
साथ में मर नहीं सकता। सूखे से पत्ते है एक टहनी से लगे, कि सूखे से पत्ते है एक टहनी से लगे, किस्मत तो देखो कि छोड़ नहीं सकता। कमाल कमाल की शायरी, कमाल का गाना। और अगर आपने प्यार किया है तो आपकी आंखें जोर नम होंगी इस गाने को देखकर, और बहुत ही अच्छा गाना है। और आई डोंट वॉन्ट टू गिव इट ए रेटिंग और समथिंग, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है। आई कैन से कि दिल छू लिया इस गाने में, मैंने इतनी तारीफ कर दिया तो आप समझ जाओ कि गाना मेरे कितना स्पेशल हो चुका है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इस तरह गाने की आज जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही ओरिजिनल है एंड आई लव दिस सॉन्ग। और अगर फिर भी रेटिंग के बारे में बात की जाए कि भाई रेटिंग क्या होगी, सो आई डेफिनेटली वॉन्ट टू गिव इट 90%। जी हाँ, माइंड ब्लोइंग, मस्त गाना था।